नमस्कार, न्यूज़ एन चेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रताप चौधरी। आज हम अपने न्यूज़ एन चेयर के फेसबुक पेज पर लाइव हैं और इस समय फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज में हैं। हमारे साथ नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर एम के गुप्ता जी हैं, जिन जिनसे हम चर्चा करेंगे कि अब जो छात्रों की परीक्षाएँ हैं कोविड महामारी को लेकर, जो 20 अप्रैल को ऑफलाइन परीक्षाएँ होनी थी उनको पोस्टपोन करके 1 मई से अब परीक्षाएं जो है ऑनलाइन होंगी, उसको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्या प्रोसेस है, कैसा, क्योंकि ऑफलाइन से एकदम से ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं होंगी और समय बहुत कम बचा है 1 मई के लिए, तो किस तरह से और क्या प्रोसीजर रहेगा, बच्चों को किस तरह से गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से बच्चों को, क्योंकि अब तक तो ऑफलाइन परीक्षाएँ हो रही थी, अब पूरा एकदम से सिस्टम चेंज हो जाता है, सारी चीज़ें अपडेट करनी होती हैं, तो किस तरह की प्लानिंग है अभी? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ एनसीआर आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा और आपके प्रयासों की और के तरफ से बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद भी कहूँगा कि आप अपने इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं और विद्यार्थियों को अपडेट न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया है इसके संबंध में, अभी तक जो हमारे पास थी 20 तारीख से ऑफलाइन पेपर होना था, किंतु अब कोरोना गाइडलाइंस इशू होने के पश्चात यूनिवर्सिटी ने भी इसमें अपनी गाइडलाइंस इशू की हैं और उन गाइडलाइंस के आधार के ऊपर अब ऑनलाइन यहां पर एग्जाम्स होने हैं, जिसमें पीजी क्लासेस के जो एग्जाम्स थे उन पीजी क्लासेस के एग्जाम्स को यहाँ पर ऑनलाइन किया है। इसमें विश्वविद्यालय ने हमारे से एक फॉर्मेट में विद्यार्थियों की सूचना मांगी है और उन सूचनाओं के आधार के ऊपर, जिसमें मुख्यतः विद्यार्थी का नाम, पेपर आईडी कोड, क्लास और रोल नंबर और सब्जेक्ट, ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी सूचनाएं उनसे मांगी गई है, जो कि अधिकतम सूचनाएं हमारे पास महाविद्यालय में उपलब्ध है। यदि किसी भी तरह की अगर सूचना हमारे पास आवश्यकता की हुई तो हम विद्यार्थियों से संपर्क करके हम उपलब्ध करवा लेंगे जी। अब ये सूचनाएं हमें 25 अप्रैल तक हमें विश्वविद्यालय को जमा करनी है और उसके पश्चात विश्वविद्यालय हमें गाइडलाइंस इशू करेंगे। संक्षेप में मैं अगर बात करूं तो विश्वविद्यालय जो हमारे पास जो सिस्टम होगा एग्जाम्स का, ऑफलाइन की भांति ही लगभग उसी तरह से ही होगा, जैसे कि सुपरिटेंडेंट भी होगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी होगा, इन्विजिलेटर भी होंगे और साथ में ऑफिस स्टाफ भी जी। अब ये सभी मिलकर ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे और वो क्वेश्चन पेपर हमें एक समय अनुसार, एक डेट शीट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पेपर भेजेंगे और क्वेश्चन पेपर हम इन्विजिलेटर के जरिए हम विद्यार्थियों से संपर्क करके वो क्वेश्चन पेपर हम विद्यार्थियों को भेजेंगे। विद्यार्थियों को किस तरह से भेजेंगे, मेल के थ्रू या कोई ईमेल, कोई पोर्टल आईडी से? ईमेल आईडी से हम भेजेंगे, ईमेल आईडी हमारे पास है। अच्छा। और पीडी, और उसके बाद एक समय निश्चित करने के बाद उस 3 घंटे के अंदर, जो अभी तक सूचना है 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे में जो क्वेश्चन वो उनको सॉल्व करने होंगे यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और उसमें सॉल्व करने के बाद वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर हमें वो हमारी वेबसाइट के ऊपर यानी कि ईमेल के ऊपर वो भेजेंगे। और वो पेपर अभी तक जो हमारे पास गाइडलाइन है हम यहाँ पर नोडल सेंटर को भेजेंगे और नोडल सेंटर जैसा भी वो इवैल्यूएशन के लिए अपनी स्कीम निश्चित करता है वो करेंगे और हो सकता है आने समय समय के ऊपर गाइडलाइंस आती रहती हैं। आने वाले समय में विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए और महाविद्यालय की सुविधा के लिए कुछ और गाइडलाइंस इश्यू करें जो कि समय अनुसार हम विद्यार्थियों को सूचित करेंगे जी। सर क्या होता है कि कई बार अब जैसे टेलीफोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से कॉलेज बच्चों के साथ कांटेक्ट में है, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रूरल से आते हैं, नहीं इन सब चीज़ों से कनेक्ट कर पाते, तो क्या कोई ऐसी सुविधा भी कॉलेज प्रबंधन ने की हुई है कि अगर कोई छात्र कॉलेज तक आता है और वहाँ से उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कोई गेट पे बैठा हो या कॉलेज में कोई एक आध स्टाफ ऐसा भी आ रहा है जो कि उनकी ऑफलाइन मदद कर सके? बिल्कुल आपने सही कहा। हमने देखिए जो हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट से हमें जो सूचना मिली है और पत्रों के तहत हमने जो टीचिंग स्टाफ है उनका अब ऑनलाइन क्लास लेने के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं। कॉलेज के अंदर वो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, किंतु आवश्यकता अनुसार उनको हम बुला भी सकते हैं।
एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शेड्यूल हमारा टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अनुसार हमारे जो प्राध्यापक हैं वो सभी कक्षाएं अपने ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। इसके अलावा एक खास बात मैंने उनको एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि सभी जो भी सूचना विद्यार्थियों को देनी हो, मैं तो ये कहूँ कि हमारे स्टाफ मेंबर्स में भी कोविड के केसेस आए हैं, उनको सभी को ध्यान में रखते हुए हमने जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज की हुई है वो हमने अप्लाई की हुई है। सर, मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि NSUI के एक छात्र नेता हैं कृष्ण अत्री जी, काफ़ी समय से और मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि वो छात्र हितों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं। तो अभी जब ये 20 अप्रैल से ऑफलाइन के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले थे उनके लिए, उसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। मेरा ये सवाल आपसे इसलिए है कि छात्रों के लिए किसी भी कॉलेज में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो उनकी उनके हितों के लिए काम करता है। तो आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं कृष्ण अत्री की आवाज़ में वो दम था जिसकी वजह से ये ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में हो पाया, या क्या इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर डायरेक्टरेट से गाइडलाइंस भी आई हैं और डिप्टी कमिश्नर से भी, साथ में विश्वविद्यालय अपना निर्णय ले रहा है। किंतु आपने जैसे कृष्ण कुमार अत्री जी के बारे में, छात्र नेता के बारे में आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा वो, मैं जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में है, उन्होंने डिसिप्लिन वे से अपनी जो डिमांड उठा रहे हैं और डिमांड उठाने के साथ साथ जो मांगे हैं सरकार उचित लगती है मान लेती है, और सरकार अगर उचित नहीं लगती है उनको कन्वे कर दी जाती है। परंतु उनकी तरफ से जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी में कॉलेज के लिए कोई उन्होंने इस तरह का कोई अहित के लिए या विद्यार्थी को अहित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। परंतु ये है कि जो उन्होंने मांग रखी है, मेरे पास भी पहले भी मांग रखी उन्होंने कि हमारे यहाँ PG कोर्सेज भी शुरू किए जाएं और भी ऑनर्स कोर्सेज भी शुरू किए जाएं, तो वो भी हमने उनके डिमांड्स हमने भेजी हुई है और डायरेक्टरेट के पास से जैसा भी सूचना हमें मिलेगी तो ये हम आपको सूचित करेंगे। सर, एक मेरा थोड़ा सा तीखा सवाल है आपसे। हाँ, हमें कई बार कुछ सूचना आती हैं कॉलेज से, सभी कोई ना कोई टीचर से या किसी स्टाफ से, तो सुनने में ऐसा आया है कि कुछ जो DC रेट के टीचर्स हैं या एक्सटेंशन टीचर्स जो होते हैं उनको सैलरी की दिक्कत आ रही है, तो ये कहाँ तक सही है और अगर आ रही है तो ये वजह क्या है? देखिए, आपना तीखा, बल्कि आपने शब्द तीखा शब्द इस्तेमाल किया, मेरे विचार में ये तीखा शब्द नहीं है। जो भी कर्मचारी या अधिकारी अपना कार्य कर रहे हैं तो उनको अपने समय के ऊपर सैलरी मिलनी चाहिए जी। और जहाँ तक सैलरी का सवाल है, कुछ मेरे ज्वाइन करने के पश्चात कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैंने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जी। और उनको स्ट्रीमलाइन करने के पश्चात सैलरी भी समय अनुसार निकाली गई है। कोई भी परेशानी है उनको व्यक्तिगत रूप से सुना गया है। जहाँ तक अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी अगर आप बात करेंगे तो मेरी जानकारी के अनुसार वो संतुष्ट है। अब सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी देखिए, एक महीने का बजट हमारे पास नहीं था, 30% कट या बजट नहीं होने के कारण से फरवरी की सैलरी नहीं मिल पाई थी, और अब सैलरी, बल्कि सैलरी हमने साइन कर दी है, वो अकाउंट में ट्रेजरी से जल्दी ही उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी दोनों महीने की और अपडेट सैलरी हो जाएगी। क्योंकि सर देखिए, कहीं ना कहीं कोरोना महामारी है, लोगों के काम धंधे भी बंद हो गए हैं। अब तो देखा जाए तो चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, कोई भी हो, सब अपने घर पे बैठने को मजबूर हो रहे हैं, तो सभी को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूती चाहिए। तो कुछ कह पाएंगे कि कब तक ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी? देखिए, सरकार की तरफ से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैं समझता हूँ सरकार समय के अनुसार बिल यहाँ पर हमारे पास ग्रांट भेजती है, ग्रांट हम यूटिलाइज करते हैं, और अगर कोई भी परेशानी बाई चांस किसी ने महसूस की हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उनकी सूचना हमें मिलते ही हम सरकार को अवगत कराते हैं और सरकार उनके लिए हमें तुरंत उसका जवाब देती है और सरकार इसके बारे में निदान भी करती है। सर, मैं चाहूँगा कि लास्ट में एक छोटा सा एक आप मैसेज दें हमारे दर्शकों को, छात्रों को, युवाओं को, जो आपके कॉलेज प्रबंधन के जो स्टाफ है उन सबको, क्योंकि कोरोना का जो रूप है वो बहुत विकराल हो चुका है इस समय, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस कोरोना से बचाव के लिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अपने कोरोना के ध्यान में रखते हुए हाथ सैनिटाइज करें,
समय समय पर हाथ धोते रहें, डिस्टेंस बनाकर रखें, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो ये बातें देखते हुए और आज की स्थिति के अंदर मैं इतना भी कहूँगा कि आप सामने वाले के ऊपर आप ये न सोच के चलें कि चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं या भाई बंधु हैं या मित्र हैं कि वो सेफ है। मतलब आप ये मानकर चलें कि किसी में भी ये बीमारी हो सकती है और उनसे दूसरे के अंदर जा सकती है। इसलिए विद्यार्थी और स्टाफ मेंबर अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। तो आप हमारे साथ थे डॉक्टर एम के गुप्ता जी, जो नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। बहुत सरल और अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे सभी सवालों को जवाब दिया, चाहे वो छात्रों के ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर हो, स्टाफ के लिए के ऊपर हो या सैलरी के ऊपर हो। तो और सभी चीज़ों को उन्होंने जवाब दिया है और आखिर में सबको एक ही संदेश उन्होंने दिया है कि कोविड महामारी के जो नियम हैं उन सभी का पालन करें। और हम भी आपसे ये अनुरोध हर रोज़ कर रहे हैं कि कोशिश करें कि अब ये ना सोचें कि सरकार या प्रशासन ही आपको लॉकडाउन करके आपको आपके घर में बिठाएगी। कोशिश करिए कि सेल्फ लॉकडाउन आप खुद लगाएं, ताकि इस महामारी से आप, आपका परिवार और सभी आपके मित्रगण इस बीमारी से बच सकें। कल फिर आगे किसी